वल्ला हबीबी सॉन्ग जो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ से आया है, विशाल मिश्रा भैया ने और विशाल दलानी सर ने इस पर काम किया है। मुझे जो है काफ़ी अच्छा इसका म्यूज़िक लगा है। मैंने स्पेशली मेलोडिका पे बजा के इंस्टाग्राम पे कल रील भी डाली थी और विशाल मिश्रा भैया का उस पर कमेंट आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इतने बड़े आर्टिस्ट ने मेरे को सपोर्ट किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने इसी पे म्यूज़िक बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें म्यूज़िक का काम किस तरीके से इस गाने में हो रखा है। बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना है मेरे, लास्ट से बने रहिए। और इसकी मैं आपको एफ़ पे फ्री में देने वाला हूँ। पासवर्ड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो पासवर्ड आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके। तो पहले हम पूरा जो गाना सुन के देखेंगे, फिर हम देखेंगे गाने में जो है क्या कम रखा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी फ़ायदा करती है। तो पहले हम गाना पूरा सुनेंगे, फिर हम देखेंगे गाने में जो है क्या काम हो रखा है। चले सुन के देखते हैं। करना जो है बिल्कुल ना भूलें, आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश कर देता है। स्टार्टिंग करने के एक इंट्रो में स्वीप आ रखा है यहाँ पे, प्री स्वीप इसको बोलेंगे। थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे तो प्ले पॉज करके बाद में धीरे से देख सकते हैं, ठीक है जी। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है उसमें हमने क्या काम कर रखा है, पहली बार जो गाना है, गाना भैरवी राग में है, यानी कि सी माइनर स्केल में रख रखा है 108 टेम्पो के ऊपर, ठीक है जी। तो पहले मैं क्या काम रखा है, पहले ट्रैक के अंदर डीएस के ड्रीम से थर्ड पार्टी वीएसटी प्लगइन हमने ले रखा है, उसके अंदर इसे ले रखा है पीपा, ठीक है जी। सुन के देखते हैं इसका साउंड जो है कैसा आ रहा है। सेकंड में फिर से ट्रैक ले रखा है, सेम साउंड हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है, पर यहाँ पे हमने साउंड का जो है बिहेवियर चेंज किया है, हमने उसकी जगह पीपा की जगह लुआन कर दिया है सेम वीएसटी प्लगइन के अंदर। सुन के देखते हैं लुआन का साउंड। फिर से इसी को कॉपी पेस्ट किया है थर्ड ट्रैक के अंदर, तो उसमें सेम वीएसटी प्लगइन के अंदर हमने जो है लुआन की जगह गुजैन कर दिया है, इसका साउंड बिल्कुल अलग आएगा। मैंने गाने के ओरिजिनल ट्रैक को सुन के देखा है तो मुझे सेम वैसा साउंड चाहिए था, तो बेसिकली ये पार्ट है ऑडियो इंजीनियरिंग का। तो आपने तीन साउंड को मिक्स करके सेम वैसा साउंड जो है हमने तैयार किया है। बेस की बात करेंगे, स्टार्टिंग में जो है स्वाइप के बेस आएंगे बिल्कुल हल्के हल्के, 808 हमने फ्लैक्स का यूज़ कर रखा है ड्राइविंग वाला। सुन के देखते हैं। जब तीन चार बार इसको सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा गाने में जो है किस तरीके से काम हो रखा है। प्री स्वीप के साथ एक बेस आएगा, प्री में एक एम्बियंस साउंड डाल रखा है यहाँ पे, जो कि मुझे गाने में सुनने को मिला है एम्बियंस साउंड। गाने में कुछ और एम्बियंस हो सकता है, आपने मिलता जुलता यहाँ पे डाला है, स्वीप लॉन्ग वाला डाल रखा है यहाँ पे। यही स्वीप आगे वाले आगे हमने यहाँ पे काट के रख दिया है। तो इस वाले पार्ट में विशाल मिश्रा भैया की जो है वोकल्स चल रही थी, बड़ा ही अच्छा गाते हैं वो, तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने सेम वोकल्स को यहाँ पे, वोकल्स हमारे पास थे नहीं तो हमने हीटअप टू यहाँ पे यूज़ किया है, उसमें हमने क्वाइट्स में जाके जो कि वोकल्स का पार्ट है, तो लॉस्ट वॉइसेस हमने यहाँ पे एक प्रीसेट यूज़ कर रखा है,
उसका जो साउंड है वो कुछ इस तरीके से आएगा। सिर्फ इतनी इससे मैं फील देने के लिए मैंने ये चीज़ क्रिएट की है। मैं इसको अवॉइड भी कर सकता था, पर मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि यहाँ पे विशाल मिश्रा भैया के वोकल्स थे, बट उसकी जगह पे हमने खुद यहाँ पे क्वायर्ट्स में ऐड कर रखा है मिडी की हेल्प से। ये मैंने खुद अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, इसको पिच डाउन करके यहाँ पर फिर रख दिया है, और ये जो है वहाँ पर काफ़ी सारे वोकल्स उनके एक स्वीप में भी आते थे, तो ये मैंने अपनी आवाज़ में ही रिकॉर्ड कर लिया। तो यहाँ से किस तरीके से आ रहा है सुन के देखिए इस वाले हिस्से से। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ज्यादा काम किया करें, हर चीज हमें पता होनी चाहिए कहाँ पे लग रही है। जैसे ये वोकल्स खत्म होंगी इंपैक्ट पड़ेगा लो वाला, बहुत ही अच्छा, जो हमारा मेन पार्ट है जो मैंने मेलोडिका पे कल बजाया था वो मैंने यहाँ पे मिडी पे सेम बजाया है। कौन सा प्लगइन हमने लगा रखा है, थर्ड पार्टी वीएससी प्लगइन कॉन्टैक्ट 2 यूज़ कर रखा है, उसमें टैक्सिम यूज़ कर रखा है, टैक्सिम के अंदर प्रीसेट यूज़ कर रखा है एकॉर्डियन रीड। सुन के देखते हैं। अगर आप मेरे रील देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, ऑफिशियल अंडरस्कोर नितिन निश्चल के नाम पे आपको नीचे सारे जो है इंस्टाग्राम के मिल जाएंगे प्रोफाइल, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को और भी मिलता रहेगा। तो फॉलो करना ना भूलें इंस्टाग्राम के ऊपर। कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट किया है, उसमें क्या किया है, पहले हमने टैक्सिम लिया था, इसमें हमने मिडल लिस्ट जो है मेरा फेवरेट जो लाइब्रेरी हमने लिया है उसमें प्रीसेट ले रखा है जुर्ना, जिसका साउंड कैसा आएगा। बेसिकली ये जुर्ना शहनाई की तरह लगता है, बट इसमें थोड़ा सा पिच डाउन जाता है, तो जुर्ना के एक अलग बिहेवियर है। दोनों को जब मैच करेंगे तो एक लीड म्यूजिक हमारे पास आएगा जो गाने में मेन बजता है। ठीक है जी, तो ड्रम्स कैसे आएंगे, बिल्कुल सिंपल है। एक ही आ जाएगा। इस गाने में बेस भी काफ़ी यूनिक यूज़ कर रखा है, तो बेस मैंने सेम बनाने की ट्राई की है, कुछ इस तरीके का बेस आ रहा था आर्प टाइप, तो मैंने ड्यून 3 लिया है, ड्यून 3 में मैंने प्रीसेट यूज़ कर रखा है बेस चेंज 2। ठीक है जी, सुन के देखेंगे बेस। एक बार हम ड्रम्स का सेशन सुन लेंगे बेस के साथ और लीड म्यूजिक के साथ कैसा फील दे रहा है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, स्टार्टिंग से क्लैप चलती आ रही है, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे भी यही चलती रहेगी, तो ये सिंपल सा काम था। नेक्स्ट ट्रैक में क्या हो रखा है, हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, सुन के देखते हैं इसको। तो कॉन्टैक्ट की हमने लाइब्रेरी यूज कर रखी है यहाँ पे, तो ये मेरा फेवरेट पार्ट था। हमने यहाँ पे दरबुका बजाया है जो कि एक मिडल ईस्ट का इंस्ट्रूमेंट है, एक परकशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट है, तो हमने यहाँ पे उसको बजाया है। तो मैंने मिडल ईस्ट लाइब्रेरी को ही यहाँ पे ओपन किया, उसमें दरबुका हमने यहाँ पे प्ले करके मैंने इसको मिडी से बजाया है। किस तरीके से बजाया है सुन के देखिए। ठीक है जी, आप हर चीज़ कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं, तो सोचना सीखिए, बड़ा बड़ा सोचेंगे बड़ा कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट काफ़ी मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है इसको बनाने में, मुझे मज़ा आया। सिंपल कैब ऐसा पड़ा हुआ है जो कि शेकर्स ही होते हैं, ये क्लैप्स का पार्ट आता है एक बीच में, सेम चीज़ उन्हें बनाने की ट्राई किया सेम। ये आपका है स्टेडियम क्लैप, ठीक है जी, वो तीनों रेगुलर क्लैप थे। यहाँ पे स्वीप आ जाएगा, सिंपल है, आगे पैड्स आ जाएंगे बिल्कुल हल्के से, हीटअप का पैड्स हमने टू द मून ले रखा है, बहुत ही बढ़िया है। आगे सारा कुछ सेम था, सुन के देख लेंगे दोबारा से एक बार।
लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, जल्दी से कोर्स आएगा आपके लिए बहुत ही बढ़िया, तो साथ में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री।